नीनम जी की पहली मूवी 1984 में आई थी जवानी। इसमें शर्मिला टैगोर, नीनम कोठारी, नवीन निश्चल, मौसमी चटर्जी, करण शाह और अनुपम खेर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1986 में आई थी लव 86। इसमें तनुजा, रोहन कपूर, गोविंदा, फरहानाज और नीनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म 1986 में आई थी इल्जाम। इसमें शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा, नीनम और अनिता राज ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1987 में आई थी आग ही आग। इसमें मौसमी चटर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, चंकी पांडे और नीनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1987 में आई थी खुद गर्ज। इसमें जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, भानुप्रिया, अमृता सिंह, गोविंदा और नीनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1987 में आई थी सिंदूर। इसमें शशि कपूर, जया प्रदा, गोविंदा और नीनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1988 में आई थी घर में राम गली में श्याम। इसमें गोविंदा, नीनम और अनुपम खेर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1988 में आई थी खतरों के खिलाड़ी। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1988 में आई थी हत्या। इसमें गोविंदा, नीनम और अनुपम खेर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1988 में आई थी वक्त की आवाज। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी, मौसमी चटर्जी और नीनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1988 में आई थी पाप की दुनिया। इसमें सनी देओल, नीनम, प्राण, डैनी और चंकी पांडे ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1989 में आई थी ताकतवर। इसमें संजय दत्त, गोविंदा, नीनम और अनिता राज ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1989 में आई थी दो कैदी। इसमें गोविंदा, संजय दत्त, फरार, नीनम, अनिश पुरी और नजिता कौर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1989 में आई थी हम भी इंसान है। इसमें संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, राज बब्बर, जया प्रदा, नीनम और सोनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1989 में आई थी दोस्त गरीबों का। इसमें गोविंदा, नीनम, सुमित सागर, राजा मुराद और विजय अरोरा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1989 में आई थी मिट्टी और सोना। इसमें चंकी पांडे, सोनम, नीनम, विनोद मेहरा और प्राण ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1989 में आई थी फर्ज की जंग। इसमें गोविंदा, शशि कपूर, नीनम और अमरीश पुरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1989 में आई थी जखम। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे, नीनम और माधवी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1989 में आई थी बिल्लू बादशाह। इसमें गोविंदा, नीनम, अनिता राज, कादर खान और शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1989 में आई थी घराना। इसमें ऋषि कपूर, गोविंदा, जया प्रदा, मीनाक्षी सिसादरी और नीनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1989 में आई थी घर का चिराग। इसमें राजेश खन्ना, चंकी पांडे और नीनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1990 में आई थी मंदिरा। इसमें प्रदीप कुमार, प्रसन्नजीत चटर्जी, नीनम, इंद्राणी और सोनम ने अभिनय किया था। यह एक बंगाली भाषा की फिल्म है। अगली फिल्म 1990 में आई थी बदनाम। इसमें प्रसन्नजीत चटर्जी, नीनम और शक्ति कपूर ने अभिनय किया था। यह एक बंगाली भाषा की फिल्म है। अगली फिल्म 1990 में आई थी दूध का कर्ज। इसमें जैकी श्रॉफ, नीनम कठारी, अरुण ईरानी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1990 में आई थी चोर पे मोर। इसमें नसरुद्दीन शाह, करण शाह और नीनम और सोनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1990 में आई थी अमीरी गरीबी। इसमें जितेंद्र, रेखा, ऋषि कपूर, नीनम, राज बब्बर और पूनम ढिल्लो ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1990 में आई थी अग्निपथ। इसमें अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीनम कोठारी और डैनी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 1990 में आई थी प्यार का कर्ज। इसमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी सिसादरी, नीनम और सोनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1991 में आई थी विष्णु देवा। इसमें सनी देओल, आदित्य पंचोली, नीनम और संगीता बिजलानी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1991 में आई थी शंकरा। इसमें सनी देओल, नीनम कोठारी, शक्ति कपूर और परेश रावल ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1991 में आई थी रणभूमि। इसमें जितेंद्र, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, डिंपल कपाड़िया और नीनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1991 में आई थी इंद्रजीत। इसमें अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, कुमार गौरव और नीनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1991 में आई थी अफसाना प्यार का। इसमें आमिर खान, नीनम, नीता पुरी और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1991 में आई थी प्रतिज्ञाबद्ध। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, कुमार गौरव, नीनम कोठारी और सुनील दत्त ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1991 में आई थी धर्म संकट। इसमें विनोद खन्ना, अमृता सिंह, अमरीश पुरी और नीनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म
1992 में आई थी कसक, इसमें ऋषि कपूर, नीलम कोठारी और चंकी पांडे ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1992 में आई थी एक लड़का एक लड़की, इसमें सलमान खान, नीनम और अनुपम खेर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1992 में आई थी खुलेआम, इसमें शमी कपूर, धर्मेंद्र, चंकी पांडे, मौसमी चटर्जी और नीनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1992 में आई थी साहबजादे, इसमें संजय दत्त, नीनम कोठारी और आदित्य पंचोली ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1992 में आई थी लाट साहब, इसमें जैकी श्रॉफ, नीनम कोठारी और मोहसिन बखान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी परंपरा, इसमें सुनील दत्त, विनोद खन्ना, आमिर खान, सैफ अली खान, नीनम, रविंद्र टंडन, अश्विनी भावे और रम्या कृष्णा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी अंतिम न्याय, इसमें कुलभूषण, खरबंडा, नीनम, आलोकनाथ, जैकी श्रॉफ और तनुजा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी संतान, इसमें जितेंद्र, मौसमी चटर्जी, नीनम और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1995 में आई थी सौदा, इसमें सुमित सहगल, विकास भल्ला, नीनम और सैयद जाफरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1996 में आई थी एक था राजा, इसमें आदित्य पंचोली, सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, प्रतिभा सिन्हा, नीनम और इंद्रानी मुखर्जी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1996 में आई थी जोरदार, इसमें गोविंदा, मंदाकिनी, नीनम और आदित्य पंचोली ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी मोहब्बत और जंग, इसमें मोहनीश बहल, भरत कपूर, कमल सदाना, दीपक तिजोरी और नीनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी कुछ कुछ होता है, इसमें शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी और सलमान खान ने अभिनय किया था। इस फिल्म में नीनम जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली फिल्म 1999 में आई थी हम साथ साथ हैं, इसमें सलमान खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल और नीनम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 2001 में आई थी कसम, इसमें सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, नीनम कोठारी और सोनू वालिया ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। यह थी नीनम कोठारी जी की अब तक की फिल्मी सफर। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।